हेलो फ्रेंड, आपके अपने ही चैनल प्रियास ब्यूटी पार्लर में आपका स्वागत करती हूँ। ये देखिए, मेरे बाल काफ़ी शॉर्ट हो गए हैं, छोटे हो गए हैं। और ये कैसे मैंने हेयर कटिंग कराई है, किसने मेरी हेयर कटिंग की है, पूरा वीडियो ज़रूर आप लोग देखिएगा। वीडियो के लास्ट में आप ज़रूर अपना सुझाव कमेंट ज़रूर बताइएगा कैसे कटिंग हुई है। और मैं आपको पूरा वीडियो दिखा रही हूँ और काफ़ी शॉर्ट हो गए हैं मेरे। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। माय यूट्यूब चैनल प्रियास ब्यूटी पार्लर एंड ब्यूटी टिप्स के नाम से है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल बटन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी शॉर्ट हो गए हैं, और जिन्होंने हेयर कट किया उनसे भी आपको आगे मिलाएंगे, तो आप आगे भी उनसे हम मिलाएंगे, आप देख सकते हैं। और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कैसा लगा वीडियो। और मेरे प्लेलिस्ट में और भी वीडियो हेयर कटिंग की है, पार्लर से रिलेटेड सारी वीडियो है, तो घर बैठे आप लोग सीख सकते हैं और अपना काम घर से स्टार्ट कर सकते हैं, सबको आना चाहिए। और यहाँ देख सकते हैं कितने हेयर मेरे कटे हुए हैं, आपको ये भी, क्योंकि कमेंट बॉक्स में लोग पूछते हैं कि आपके कितने हेयर कट हुए हैं, वो भी दिखा दिया करिए। तो यहाँ पे ये देखिए, इतने सारे मेरे हेयर को काट दिया गया है, और क्योंकि मैंने भी, मुझसे पूछा नहीं गया, मैंने बताया नहीं, मैंने कहा भी था थोड़ा थोड़ा हेयर कट करना, मगर गलती से ज़्यादा हो गया। तब से बढ़ भी नहीं रहे हैं और बहुत झड़ भी रहे हैं। तो अगर यहाँ आप देख सकते हैं, थोड़ा गुस्से में थी, कितने छोटे हो गए मेरे हेयर। और ये मेरी फ्रेंड है राधा, इनका खुद का भी चैनल है और काफ़ी अच्छा वीडियो भी बनाती हैं और काफ़ी अच्छा नेचर भी है। और अच्छा, इन्होंने कभी पार्लर का कोर्स तो नहीं किया है अभी तक, और मेरी स्टूडेंट हेयर कट कर रही थी तो उन्होंने बोला लाओ हम तुम्हारा हेयर कट करते हैं। तो अच्छा किया, मेरा थोड़ा सा कर्ली हेयर है इसलिए उन्होंने फ्रंट से कट किया ना, तो बाउंस करके ऊपर चला गया था, इस वजह से थोड़ा स्ट्रेट रहता है तो कटिंग रहती फ्रंट पे ही रहती है और सही रहता। अपने अकॉर्डिंग उन्होंने हेयर कट सही किया था, उनको बस उनको आइडिया नहीं था कि बाउंस करेगा बाल, और कटिंग करने के बाद बाउंस करके ऊपर चला गया था, इसलिए थोड़ा सा वो हो गया। स्ट्रेट होता तो काफ़ी अच्छा इसका लुक आता। और इनका खुद का भी चैनल है राधा के नाम से, राधा ब्लॉग के नाम से है, काफ़ी अच्छा वीडियो बनाती है, अच्छा घर की चीज़ों से ही आपको हर चीज़ बताती हैं। यहाँ पे ये तैयारी करने के लिए ही आई हैं। और ये देखिए, ये बस हमने देख नहीं पाई थी कहाँ से कट हो रहा, बस यहाँ से गलती हो गई, और नीचे से कट होता ना गाइस तो सही हो जाता है। ये देखिए, यहाँ पे मैं डर गई कि अभी बहुत छोटे हो गए मेरे, मैं रोने होने लगी थी रोने लग के अभी, क्योंकि सीजर जो है और नीचे से कट करना चाहिए था तो सही रहता, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर से, क्योंकि इन्होंने कभी कोई कोर्स किया नहीं है ना ही सीखा है, तो पहली बार हेयर कट कर दी, लेकिन अच्छा ही लग रहा था। और आप ये देख रहे, काफ़ी शॉर्ट हो गया, बाउंस करके ऊपर चला गया था, अभी स्ट्रेट रहता तो काफ़ी अच्छा फेस पे लगता, लेकिन मेरा कर्ली है तो नहीं अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए, इस तरह मैंने, ये देखिए फ्रंट का ऐसा लुक आया हुआ है। और ये मैं बता रही हूँ कि मैं जैसे वकील लग रही हूँ, मैं बाद में अपनी आवाज़ को बंद कर दी तब भी देख रहे हैं, फटाफट बोलती चली जा रही हूँ, लग रही हूँ ना। लेकिन हाँ, मैं LLB का कोर्स भी कर रही हूँ, तो इसलिए अभी से ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है बोलने की, वो आवाज़ को मैंने बंद कर दिया है। और ये देखिए, काफ़ी मेरे शॉर्ट हेयर हो गए हैं, और यही मैं दिखा बता रही थी, वो आवाज़ मैंने बंद कर दी है, नहीं तो आप लोग बोर हो जाएंगे। और देख सकते हैं, और जो मेरी स्टूडेंट वीडियो बना रही थी ना, वो काफ़ी क्या बताएं उसको, कहने में गुस्सा लग रही है, और उसको वीडियो बनाना चाहिए तो देख नहीं रही कि वीडियो बन रहा है कि नहीं, अपने आँखों से देख, समझ में नहीं आया, पीछे का ही वीडियो बना भी नहीं पाएगी, मेरा कितना हेयर कट हुआ, कैसे हेयर कटिंग की उन्होंने, वो भी नहीं वीडियो अपलोड करी, वीडियो नहीं बनाई। बाद में मैंने चेक किया, देखा तो वीडियो तो बना ही नहीं था। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, ज़रूर लाइक कर दीजिए करिए, बहुत मेहनत से वीडियो बनती, मेरे पास स्टैंड नहीं तो मैं और अच्छे से वीडियो शूट करूँ, अब आगे जल्दी ऐसी गलती नहीं होगी, और हो सकेगा तो मैं जल्दी स्टैंड लेने की कोशिश करूँगी। और मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और मेरे यूट्यूब चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके माध्यम से लोग अपना
फ्रेंड ने हेयर कटिंग किया, कुछ किया, तो लोगों तक शेयर करते हैं, अच्छा लगता है। कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए ना लाइफ में, तो अच्छा लगता है। और ये वीडियो मैं दोबारा इसलिए अपलोड कर दी है, मतलब इसी में ज्वाइन कर दी, जिसमें कि जिसको जो लोग बढ़ा देते हैं वीडियो या फास्ट कर देते हैं, तो वो लोग फिर से एक बार देख सके कि फ्रेंड का हेयर कट कैसे इन्होंने किया है। और आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा, और जब भी कहीं कटिंग कराएं तो आप ज़रूर बता दें कि उनको कितना हेयर कट चाहिए, कितनी लेंथ होनी चाहिए, कितना कट कराना है, तभी आप हेयर कट करें। यहाँ तो मेरी फ्रेंड ने हेयर कट किया, मुझे कोई वो नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन हाँ, आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिए, क्लाइंट को तो कभी ऐसे ना करिएगा, और हो सके तो अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। और यहाँ देख रहे हैं मेरे बाल काफ़ी रफ़ हो गए हैं, काफ़ी हल्के हो गए हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं ध्यान देती। और ये देखिए, ये सीधे जो ऊपर से कट किया गया है ना, वो नीचे से हेयर कट करना चाहिए। अगर आप मेरी ये कटिंग देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में हेयर कटिंग की वीडियोस हैं, आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। और ये चलिए सीख रही हैं, पार्लर का कोर्स भी करेंगी, इतना अच्छा वीडियो बनाती हैं तो सीखेंगे भी। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, इनके भी काफ़ी हेयर अच्छे हैं, मैं इनकी कटिंग करूँगी तो बताऊँगी, मगर मैं नहीं काट पाती हूँ किसी के हेयर, क्योंकि मुझे मालूम है बालों से लोगों को कितना प्यार होता है, बाल है तो सब कुछ है, कहते नहीं है महिलाओं का हेयर ही उनका गहना होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।